और यहाँ पे मैं आपको एक बात जल्दी से बता देना चाहूँगी कि ये जितने भी आइटम आप देख रहे हो मेकअप के, खासकर मेकअप एंड स्किन केयर के, इनमें से 10% ही मैंने खुद से परचेस किए हैं। बाकी सारे मुझे पीआर में, प्रोडक्ट रिव्यू में आए हुए हैं लास्ट 1 ईयर से, और ये मेरी लास्ट 1 ईयर की कलेक्शन है। तो इनमें से सिर्फ 10% जो है वो मैंने खुद से लिए हैं और बाकी के 90% जो है वो मुझे पीआर में आए हुए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है, मतलब क्या क्या किया है मैंने अभी तक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी 11 बजने वाले हैं मॉर्निंग के, और मतलब दोपहर होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा धूप है। मैं आपको दिखाती हूँ, कड़ाके की धूप है। और जब यहाँ पे 3 से 4 बजते हैं ना शाम के, उस टाइम इतनी ज़्यादा धूप होती है, मतलब बैठना मुश्किल है विदाउट एसी, पूरे डार्क कर्टन लगा करके। और मैंने बिग बास्केट से ना बहुत दिनों पहले ऑर्डर किया हुआ था, बीपीसीएल अपार्टमेंट में कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो फाइनली आज रिसीव हुए हैं, मतलब डिलीवर हो गए। तो वही लेने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, और कुछ वेजिटेबल्स लेने भी हैं जो मतलब आउट ऑफ स्टॉक थे। फाइनली यार, मतलब यहाँ मैंने कितने बार ऑर्डर किया, यहाँ डिलीवरी हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये थोड़े आउटसाइड एरिया में है और इसलिए वहाँ पे मैंने मंगवाया था, तो वहाँ पे डिलीवरी हो गई है। तो और आप पीछे ये बास्केट देख रहे हो, इसमें मैंने केक वगैरह रखा हुआ है। तो वही मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्योंकि जो है वो नहीं लाने वाली हूँ, जो नहीं है सिर्फ वही लाने वाली हूँ। और आज मुझे अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैंने सोचा चलो फुल डे ब्लॉग बनाती हूँ। पर अभी पहले हम जाएंगे सारी चीज़ें लेने के लिए, फिर कुछ एग्स वगैरह भी लेकर के आएंगे, एंड उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है, लंच बनाना है। लंच में कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो फ़िलहाल क्या हालत है, मैं मुश्किल से इस टॉप को निकाल के मैंने पहना हुआ है विद दिस कॉटन की ट्राउज़र। कुछ मिल ही नहीं रहा है यार, बहुत गंदी हालत हो गई है मेरी वार्डरोब की। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फर्स्ट वार्डरोब। इसे देख कर के आप जज मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, उसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से हालत हो गई है अभी। फर्स्ट ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ इधर से उधर बिखरे हुए हैं। सेकंड, मुझे खुद को देख के मुझ पे तरस आ रहा है। आप क्या बोलते हो? ओके, सेकंड ये है। मैं आपको अपना ड्रेसर दिखाती हूँ। ये थी फर्स्ट मेरे बेडरूम वाले वार्डरोब्स की कहानी। अब दूसरे रूम को मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलोगे ये क्या है, बट यही हाल है। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा डीक्लटर करनी है, रखने की जगह नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि दिन के टाइम पे कम से कम 6:37 तक तो इधर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ करने का मन नहीं होता है। उसके बाद शाम में किचन का काम करूँ या फिर ये सब काम करूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको बता नहीं सकती हो कितनी ज़्यादा गर्मी है। 12th फ्लोर में रहती हूँ, सीधे यहाँ से धूप आती है, देख लो। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, सारे धोए हुए कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ के भी वार्डरोब्स मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है, यहाँ पे मोस्टली मेरे ज्वेलरी है। सेकंड ये है, यहाँ सारे लहंगा हैं, और ये भी कपड़े हैं, ये बेडशीट वगैरह है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के सारे सूट और जो कुर्ता जो एथनिक वेयर है वो यहाँ पे मैंने अच्छे से रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ रैंडम स्टफ़ है। ये हो गई सेकंड अलमीरा। थर्ड खाली है, बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं है। ऊपर लहंगा, साड़ी, नीचे थोड़े से लहंगा है, उसके नीचे भी कपड़े हैं। ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। बाकी एक्चुअली मैं जब घर पे पूरा पानी आ गया था ना वॉशिंग मशीन के, वो पाइप गिर के घर में जब पूरा पानी आ गया था उसके वजह से थोड़ा सा मेसी हो रखा है। लाइक मैट्रेस वगैरह भी ऊपर किए हुए हैं। और क्या दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे टेबल में सारा सामान है। वहाँ जो चेयर है वहाँ पे सिर्फ कुछ लहंगा एंड कंबल वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, वो सारी चीज़ें रखी हुई है। फिर यहाँ आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे सारा ज्वेलरी है। फिर यहाँ पे ये बड़े से कार्टून में बहुत सारा कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर वगैरह है। तो और उसके नीचे जो है सारा ज्वेलरी वगैरह है। कैसे होगा, मुझे ये सब देख कर के फिर मन करता है यार नहीं हो पाएगा, बट नहीं, आज से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने वीडियो बना ली है 2-3, वो वीडियो जाती रहेगी। तब तक मैं यही करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कलेक्शन की वीडियो बनानी है। कलेक्शन ढूंढूँ तो ढूंढूँ कहाँ, एक कलेक्शन निकालने में तो पूरा कलेक्शन ही हिल जाए। तो प्लीज़ डोंट जज कि आप कैसे रखते हो, क्या करते हो, क्योंकि मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। खाना खुद बनाती हूँ, शूटिंग खुद करती हूँ, एडिटिंग खुद करती हूँ, टोटल काम खुद करती हूँ। और तब तक मेरी हालत जो है वो पस्त हो जाती है। 24/7 मेरे हाथों में और कमर में और पैरों में दर्द होता है। तो इसलिए प्लीज़ डोंट जज कि आप कैसे रखते हो, क्योंकि अभी कुछ मार्च में ना मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मन नहीं करता यार, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, तो सिर्फ रूम में ही जो करना है एसी ऑन करके, तो इसलिए नहीं हो पाता है। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊँगी कैसा है। सो अभी हम आ गए हैं सारा वेजिटेबल वगैरह ले करके। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ हमने बाहर पे रखा हुआ है क्योंकि सभी को अभी स्नान करानी है। सभी को अभी मैं सोप वाटर में डुबो के फिर अच्छे वाटर में वॉश करके फिर उसे ड्राई करके उसके बाद फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगाया अभी। सो ये सारे मैंने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मंगाए हुए हैं। यहाँ पे ऑरेंजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे क्योंकि हम डेली अभी ऑरेंज जूस पी रहे हैं। बाकी जो भी अवेलेबल था वो मैंने मंगा लिया। बहुत सारे ऑरेंज ना सड़े हुए थे, लाइक सारे ही, मतलब 1-1 kg का पैकेट था, उसमें 1-2 ऐसे सड़े हुए निकल रहे थे, कम से कम 5 यहाँ सड़े हुए निकले थे। बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, बस ये जो फूलगोभी है वो बिल्कुल ख़राब थी, बहुत सारे कीड़े थे तो मैंने उसे फेंक दिया, उसे नहीं बनाया मैंने। और ये सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अभी मैं अच्छे से वॉश करने वाली हूँ। वॉश करके अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके फिर उसे ड्राई करके तब जा करके मैं फ्रिज में रखूँगी। और काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स मिल गई बिग बास्केट से। तो यहाँ पे मैंने ना लाइक डिटॉल लिक्विड सोप जो होता है वो लिया हुआ है, कुछ ड्रॉप्स गर्म वाटर, मतलब ये भी गर्म पानी है, ये हॉट वाटर है, दूसरे वाले बाल्टी में भी गर्म पानी है। तो यहाँ पर मैं पहले इसे डाल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसे डुबो के छोड़ दिया था, बस जल्दी डुबो रही थी, उसके बाद जल्दी फिर गर्म पानी में डाल रही थी एंड उसके बाद उसे लाइक जाली वाले बास्केट में डाल दे रही थी। सारे ही गर्म पानी है। और मैंने सोचा नहीं, मैं इसे लिक्विड सोप में ही वॉश कर दूंगी क्योंकि पता नहीं किस में कोरोना वायरस आ जाए, इसलिए चलेगा यार, इतना तो चलता है कि थोड़ा लिक्विड सोप में हम इसे वॉश कर सकते हैं। मुझे यही सेफ़ लगा तो मैंने ऐसे ही किया। सारे वेजिटेबल्स को मैंने ऐसे ही धोए हैं, सारे गर्म पानी में लिक्विड सोप में, और उसे फिर जाली में, बास्केट जो होती है जाली वाली, उसमें रख दिया मैंने। उसके बाद जब इसे थोड़े से ड्राई हो गए उसको मैंने इसे फ़ैन के नीचे सुखाया है, ऐसे नहीं कि मैं धूप में इसे छोड़ दी थी। तो इस तरह से मैंने सारे अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया। थोड़ी देर मैंने इसे धूप में रहने दिया ताकि ये जो भी वाटर है, अंडों को भी मैंने वॉश किया था सेम प्रोसीजर से। अंडों को भी मैंने ऐसे ही लिक्विड सोप में फिर गर्म पानी में वॉश कर लिया था। और ये सारे जब ड्राई हो जाएंगे तो मैं इसे अंदर डाइनिंग टेबल पे सूखने दे दूँगी। एंड ये आप देख लो, ये धनिया पत्ती है ना, इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये बहुत अच्छी जो ग्रीन वाली थी वो मैंने इसमें रखा हुआ है, एंड उसके बाद जो थोड़ी सी पीली पड़ गई थी वो मैंने इसमें रखा हुआ है, और जो एकदम ही जल्दी से ख़राब होने वाली थी वो मैंने इसमें रखा हुआ है कि मैं सेम डे यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने धनिया पत्ती को डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद खाने में, और बिना धनिया पत्ती के खाना बनाना मुझे, मतलब ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है, कुछ छूट गया है। तो इस तरह से मैं इसे ड्राई कर रही हूँ, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे रखने वाली हूँ फ्रिज में। उसके लिए मैं ये लूँगी किचन टॉवल, या फिर आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। उसके बाद इसमें रख दूँगी धनिया पत्ती को, कुछ इस तरह से सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें वाटर की नहीं है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। आई थिंक 10-15 डेज़ तो आराम से चल जाएंगे, बट उतने दिन बचेगी तब तो मैं बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती खाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें रख लूँगी सारे धनिया पत्ती को एंड इसे अच्छे से कवर कर दूँगी। सो इस तरह से मैं सारे धनिया पत्ती को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर दूंगी। जैसे जैसे मैंने डिवाइड किया था ना वैसे वैसे ही यहाँ डिवाइड कर दिया। इसे मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ आलू पराठा में, और ये सारे वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं। अब मैं एक इस तरह की जो क्या बोलते हैं कंटेनर में इसे डाल दूंगी धनिया पत्ती को, उसको बंद कर दूंगी और इसे मैं एज इट इज़ फ्रिज में रख दूंगी। ये जल्दी नहीं ख़राब होगी। आप भी इस तरह से धनिया पत्ती को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेकअप एंड ज्वेलरी के आइटम हैं वो सबको निकाल के बेड पे रख रही हूँ, क्योंकि और जगह है नहीं रूम में, तो बेड में ही रख रही हूँ। और अभी कपड़े नहीं निकाल रही हूँ मैं, अदरवाइज़ बहुत अच्छा वो मैंने कपड़े नहीं निकाले, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ही इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो सारे ज्वेलरी, मेकअप, एक्सेसरीज़ जो भी है कपड़ों के अलावा सारी चीज़ें मैं यहाँ पे निकाल लूँगी बेड में। लाइक बैंगल बॉक्स है यहाँ पे, जो आप ये ड्रॉवर वाली देख रहे हो ना, इसमें मैंने सारे अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं पार्ट पार्ट करके। लाइक एक में गोल्डन ज्वेलरी, एक में सिल्वर इयररिंग्स, एक में कलरफुल इयररिंग, एक में टैसल वाले इयररिंग्स, ऐसे रखे हुए हैं। तो ये देखो आप, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और ये पूरा जो मेरा बेड है वो बस बास्केट और ज्वेलरी और मेकअप से भर गया था। यहाँ तक कि बेड में जगह नहीं मिली तो मैंने नीचे भी इस तरह से रख दिया है। और अभी भी ये जो ड्रॉवर्स है वो दोनों भरे हुए ही हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने खाली कर दी हैं। सिर्फ यहाँ पे कुछ जो नेसेसरी आइटम है या फिर लिक्विड आइटम है वो मैंने नहीं निकाला है, यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और दूसरे वाले ड्रॉअर में मतलब ये सारा सामान अभी भरा हुआ है, क्योंकि अभी जगह ही नहीं थी। माय गॉड, मैं सोच रही थी बहुत इजी तरीके से मैं कर लूँगी, पर मेरे जो मेकअप और ज्वेलरी हैं उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ करने में आई डोंट नो मुझे कितना टाइम लगने वाला है। सिर्फ अभी तक मैं कैटेगराइज कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा। आप देख रहे हो उधर जो आप देख रहे हो 4 बास्केट रखे हुए हैं, वो मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, पर उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें जा रही हैं। ये रैंडम स्टफ़ है यहाँ, ये देख लो, इधर भी वही हाल है, उधर भी वही हाल है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप और मेकअप ही है, मोस्टली मेकअप एंड स्किन केयर ही है। जस्ट इस वाले बास्केट में ज्वेलरी है, बाकी जो भी मेरे ज्वेलरी है वो दूसरे वाले रूम में है। यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी नहीं है, सारे ज्वेलरी मैंने वहाँ अलग से रखे हुए हैं। यहाँ पे बस वही है जो मैं पहन के बस यहाँ रख देती हूँ ना, वही सब पहने वाले हैं, बाकी सारे चलो घूम के आते चलो। नाउ मुझे अभी बनाना है डिनर, तो मैं अभी बना रही हूँ आलू पराठा। इसमें ना मेरे आलू में धनिया पत्ती, प्याज एंड मिर्ची को अच्छे से बारीक काट के डाला हुआ है। उसमें मैं जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद ये आमचूर पाउडर है एंड उसके बाद फिर डालूँगी मैं यहाँ पे नमक एंड उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे चाट मसाला। ये सारी चीज़ें मैं डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आलू पराठा बनाने पे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो डेफ़िनेटली आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी बनता है। और यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी के लिए टमाटर भी पका रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू पराठा के साथ टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो ये हमने आलू तैयार कर लिया है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी को मैंने सिंपल से बनाया हुआ, अभी मैंने कुछ फ्राई व्राई करके नहीं बनाया है, जिसमें टमाटर को पका लिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे धनिया पत्ती एंड मिर्ची एंड प्याज बारीक कटी हुई है, जो मैंने इसमें डाला था ना उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, ये आप देख लो ये है। और यहाँ पर मैंने लहसुन को बारीक काट लिया है, इससे मैं इसमें डाल दूँगी। बाद इसमें जाएगा नमक, और मस्टर्ड ऑयल, साथ ही में यहाँ पे मैं चाय भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और आलू पराठा के साथ चाय भी हो तो मज़ा ही आ जाता है, राइट। आप में से किस किस को चाय के साथ पराठा पसंद है, मतलब पराठे के साथ चाय पसंद है जो भी बोलो, मतलब किसको पसंद है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ दोनों के लिए, क्योंकि रात में ऐसे मैं चाय नहीं बनाती हूँ, बट बहुत ही सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर चाय भी बनाने वाली हूँ। और पराठा मैं बनाने वाली हूँ बटर के साथ, क्योंकि मुझे पराठे के साथ ना बटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ ही मेरे हस्बैंड को भी। तो यहाँ मैं फटाफट से आलू के पराठे बना रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे आप आलू पराठा एक बार ज़रूर बनाना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वो जो भून के आलू को बनाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे यही पसंद है कच्चे आलू में सारा कुछ अच्छे से डाल लो, मसाले वगैरह, जैसे पानी पूरी का मसाला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह के आलू पराठे। और वीक में कम से कम 2 से 3 दिन तो आलू पराठे बना ही लेती हूँ मैं घर पे, क्योंकि मुझे भी अच्छा, मतलब मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। तो ये आप तो नाश्ते में कभी बन जाता है या फिर रात में बन जाता है, जब भी जल्दी होती है तो मैं आलू पराठा ही बना लेती हूँ। क्योंकि और हाँ, धनिया पत्ती होनी चाहिए इसके लिए, नहीं विदाउट धनिया पत्ती तो मुझे मन ही नहीं होता है कि मैं आलू पराठा बनाऊँ। और मैं आलू पराठा ना बहुत ही धीमे धीमे, मतलब फ्लेम पर उसे पकाती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर की लेयर बहुत अच्छी क्रिस्पी बन जाती है। मुझे गीले गीले पराठे की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो गीली होती है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। मुझे बिल्कुल क्रिस्पी जो पराठे होते हैं, मतलब अच्छे से वो ऊपर से अच्छे से मतलब सेके हुए होने चाहिए, उस तरह के पराठे मैं बनाती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, और चाय में बनाऊँगी इलायची वाली। और चाय में चीनी में थोड़ा अच्छे से डालती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ मतलब चाय में थोड़ी पता चलनी चाहिए चीनी। और यहाँ पे मैं इलायची भी डाल रही हूँ चाय में, बहुत अच्छी चाय बनती है इलायची वाली। और यहाँ पे मैं पराठे में बटर लगा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को चाहिए कि और बटर लगाओ, और बटर लगाओ। उनको बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मतलब मैं कच्चे बटर, जैसे ब्रेड को सेक लिया फिर कच्चा बटर लगा दिया, उस तरह से उनको खाना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर वाले पराठे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। अभी पराठे ख़त्म हो चुके हैं, पर अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी फिर से खा लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। बस हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम खा लेंगे। और मेरा जो बेडरूम है और बेड है वो पूरे मेकअप, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक के आइटम से भरा हुआ है। अभी जा करके उसे सारा कुछ क्लीन भी करना है, क्लीन करने के बाद मैं सो जाऊँगी। और आज की वीडियो में बस आपको इतना ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था ना कि जितने इजीली मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, वैसा होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो सिर्फ मैं मतलब डिवाइड कर रही हूँ कि मेरे पास कितनी लिपस्टिक है, कितने आईज के मेकअप है, या फिर सब कुछ मैं कैटेगराइज कर रही हूँ। उसके बाद ओ माय गॉड, पराठा, मेरे पराठा चल जाते यार। उसके बाद मैं सब कुछ वो मेकअप ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करना। अभी कपड़े क्या रखने हैं क्या नहीं रखने हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्या है फाइनल लुक में, आज मैं क्या कर पाई हूँ मैं भी आपको जाके दिखाऊंगी। एंड उसके बाद कर दूँगी इस ब्लॉग को एंड फिर स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ पर आज एंड करूँगी वहीं से कल स्टार्ट करूँगी। एंड ये है हमारा आज का डिनर, आलू के पराठे, टमाटर की चटनी और चाय। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, आप भी ट्राई कर सकते हो। कैसा बना पराठा? बढ़िया बना। वैसे मैं आलू पराठा हमेशा बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, आप भी ट्राई करना। बटर के साथ आलू पराठा बनाना बहुत ही यम्मी होता है। दही चाहिए, दही देने से खाते नहीं हो। आलू पराठा भी बनाने मेरे हस्बैंड बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में खाते हैं, बिल्कुल दही चाहिए आलू पराठा के साथ। हम नॉर्थ इंडियन कभी खाएंगे आलू पराठा के साथ दही? कभी नहीं। पर ये साउथ इंडियन आलू पराठा के साथ भी दही खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। हम लोग के साइड में टमाटर का चटनी खाते हैं। हाँ जी, तो डिनर हो गया मेरा, और अभी मैं आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है एक्चुअली में, और दिखा देती हूँ आपको कि मैं कितना कर पाई हूँ आज। पूरा बेडरूम, बेड, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेकअप से भरा पड़ा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात जल्दी से बता देना चाहूँगी कि ये जितने भी आइटम आप देख रहे हो मेकअप के, खासकर मेकअप एंड स्किन केयर के, इनमें से 10% ही मैंने खुद से परचेस किए हैं। बाकी सारे मुझे पीआर में, प्रोडक्ट रिव्यू में आए हुए हैं लास्ट 1 ईयर से, और ये मेरी लास्ट 1 ईयर की कलेक्शन है। तो इनमें से सिर्फ 10% जो है वो मैंने खुद से लिए हैं, और बाकी के 90% जो है वो मुझे पीआर में आए हुए। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है, मतलब क्या क्या किया है मैंने अभी तक। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरी लिपस्टिक थी, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये पूरी जो बास्केट भरी पड़ी है ये सिर्फ मेरी लिपस्टिक से भरी पड़ी है। और यहाँ पे कुछ शार्पनर मुझे मिले तो वो मैंने यहाँ डाल दिए। तो ये हो गई फर्स्ट बास्केट। सेकेंड मेरे यहाँ पे सारे नेल पेंट्स है, ये आप देख लो, नेल पेंट्स एंड नेल रिमूवर एंड ये शुगर की है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाली बास्केट जिसमें सारे आई शेडो जो भी मतलब पैलेट होते हैं ना, लाइक कॉन्टोर के लिए या फिर कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी है सारा इसी में है। ठीक है, अभी तक मुझे जितना मिला है वो इसी में है। और इस वाले ग्लास बाउल में सारे जो भी काजल, लाइनर एंड लिक्विड आई शेडो वगैरह वगैरह, ये जेल लाइनर वगैरह, मस्करा वगैरह सारा इसमें है। तो ये 4 मैंने ठीक से किया है अभी तक, मतलब जो भी मुझे मिले यहाँ पे है। ये मैं नहीं कर पाई हूँ अभी, ये भी नहीं कर पाई हूँ। ये आप देख लो पूरा अभी, मतलब मुझे इन सभी चीज़ों को अभी यहाँ से हटाना है, क्लीन करना है एंड उसके बाद फिर से कल से स्टार्ट करना है। ओह माय गॉड, इस वाले बास्केट में सिर्फ ज्वेलरी है जो मुझे यहाँ पे मिल गई, मतलब यहाँ पे जो मुझे मिली वो है। यहाँ मैंने स्टार्ट किया था जो भी हेयर एक्सेसरीज है, लाइक हेयर बैंड, क्लचर वगैरह जो भी है वो मैंने इसमें रखना स्टार्ट किया था। तो जितने मिले अभी यहाँ पे हैं। और ये तो बिस्किट केक वगैरह है। इसमें सारे ब्लू हेवन के आइटम हैं जो अंडर 100 रुपीज़ हैं। तो उसकी वीडियो करनी थी बट मैं नहीं कर पाई हूँ। सो गाइज़ बस अभी इतना ही कर पाई हूँ मैं। अभी मैं सारा इसको मतलब यहाँ बेड से हटा करके उधर साइड में रख दूँगी और कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर जो चीज़ें जहाँ मिलेगी उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमें, मतलब मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या डीक्लटर करना है, किस चीज़ को कहाँ रखना है वो कल देखेंगे। अभी रात के 10 बज चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मुझे लगा था कि मैं फटाफट से कर लूँगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजीली मैं सब कुछ कर लूँगी। ना ईजी नहीं है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कमर की तो बैंड बज गई, मतलब उठना झुकना ये करना वो करना, लास्ट के मतलब 3 घंटे तो मेरे इसमें लग ही गए थे। और कपड़ों का जब करने जाऊंगी तब क्या होगा पता नहीं, देख रहे हो आप। ये खाली हो गई, यहाँ पे सारे मेरे बेल्ट्स हैं। तो ये इसमें 2 खाली है और यहाँ पे क्या है ये भी खाली ही है। बस यहाँ पे मैंने सारे कॉम रख दिए हैं। ये मेरी नाइट क्रीम एंड लिप बाम है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। ऊपर के साइड में मेकअप रिमूवर एंड ऑयल है। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बाकी सारे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कार्टून में ये अब देख लो, ये सारे बिंदी और क्लिप्स वगैरह जो आइटम होते हैं ना, जो कभी मिलते ही नहीं है जल्दी, वो सारे रखे हुए हैं। तो अभी मैं फटाफट से इन्हें ना साइड करने वाली हूँ। आज और कुछ भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कल मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, कल सैटरडे है, कल ऑफिस भी जाना है। मे बी कल मैं ये वीडियो डाल दूँ क्योंकि ऐसे मैं हमेशा ब्लॉग शूट करती हूँ पर नहीं डाल पाती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ब्लॉग थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ पर डाल ही नहीं पाती हूँ। बट ये वीडियो मैं हो सकता है तो कल ही डाल दूँगी। कल की वीडियो को मैं कभी और डालूंगी, कल ही डाल दूँगी। एंड उसके बाद जल्दी जल्दी, मतलब इसकी सीरीज़ जो है जल्दी आएंगी। तो सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही एंड फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अब इधर मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इधर जो मैंने अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं और इधर जो मैंने डिवाइड कर लिया है वो सारी चीज़ें हैं। इस तरह से मैं अभी इसे छोड़ रही हूँ, कल फिर स्टार्ट करेंगे हम।